जय श्री राधे कृष्ण। पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 14। श्री नारायण जी बोले, इसके बाद चिंता से आतुर राजा दृढ़धवा के घर वाल्मीकि मुनि आए, जिन्होंने परम अद्भुत तथा सुंदर रामचंद्र जी का चरित्र वर्णन किया है। राजा दृढ़धवा ने दूर से ही वाल्मीकि मुनि को आते हुए देखकर घबराहट के साथ जल्दी से उठकर भक्ति युक्त हो उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। भली भांति पूजा कर उत्तम आसन पर ऋषि को बैठाकर उनके चरणों को गोद में लेकर दोनों हाथों से धोया और उस चरणोदक को बड़े हर्ष के साथ शिर से धारण कर शुक पक्षी की बात स्मरण करता हुआ राजा दृढ़धवा ने मधुर वचन से यो कहा, हे भगवान, इस समय मैं कृतकृत्य हूँ, भाग्यवान हूँ, मेरा जन्म सफल हुआ। हे प्रभो, आज मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। आज आपके प्रत्यक्ष दर्शन से शास्त्र आदिकों के यथार्थ अर्थ का ज्ञान सफल हुआ। हे जगत के पावन करने वालों के पावन करने वाले, आज मैं अपने भाग्य का क्या वर्णन करूं? श्री नारायण बोले, इस तरह वाल्मीकि मुनि को कहकर वह राजा मौन हो गए। बाद वाल्मीकि मुनि उस राजा को विनय युक्त देखकर बड़े प्रसन्न हुए और जनता को आनंदित करते हुए बोले, हे नृपश्रेष्ठ, ठीक है, तुम में उक्त प्रकार की सब बातों का होना संभव है। हे राजन, तुम चिंता से आतुर क्यों हो? सो सब मन की बात कहो। ऐसा मालूम पड़ता है कि तुम्हारी कुछ कहने की इच्छा है, इसलिए हे महामते, उसे कहो। राजा बोला, आपके चरण कमल की कृपा से हमेशा सुख है, परंतु हे विद्वान, हमारे हृदय में एक बड़ा संदेह है। वन में होने वाले शुक पक्षी के मुख से निकले हुए बाण के समान उस वचन को दूर करें। किसी समय मैं शिकार खेलने के लिए गहन वन में निकल गया। वहां भ्रमण करता हुआ एक तालाब देखा, उसका जल पिया। बाद में थकावट दूर करने के लिए एक बड़े वट वृक्ष के नीचे बैठ गया। अत्यंत घनी तथा सुंदर छाया वाले और मन एवं नेत्र को आनंद देने वाले उस वृक्ष पर बैठे हुए सुंदर शुक पक्षी को देखा। जब उस शुक पक्षी पर हमारी दृष्टि गई, तब उसने हमारे सम्मुख होकर एक श्लोक पढ़ा कि इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देख कर तू आत्मा का चिंतन नहीं करता है तो इस संसार के पार कैसे जाएगा। मैं इस प्रकार शुक पक्षी के वचन को सुनकर विस्मित हो गया। हे ब्राह्मण, मैं नहीं जानता कि उस शुक पक्षी ने क्या कहा। इस हमारे हृदय के संदेह को आप दूर करने के योग्य हैं। हमारा राज्य सुख तथा सुंदर चार पुत्र, सुंदर पतिव्रता स्त्री, हाथी, घोड़ा, रथ, सेना, हे ब्राह्मण, ये सब अतुल समृद्धि इस समय हमें किस पुण्य से प्राप्त है। यह सब विचार कर संक्षेप में कहने के आप योग्य हैं। राजा के वचन को वाल्मीकि मुनि सुनकर प्राणायाम कर एक मुहूर्त तक ध्यान में मग्न हो हाथ में रखे हुए आंवला के फल के समान विश्वा संसार के भूत भविष्यत और जो वर्तमान विषम है उनको हृदय में समाधि के बल से जानकर और निश्चित कर राजा से बोले, हे राजाओं में श्रेष्ठ, अपने पूर्व जन्म का चरित्र तुम सुनो। हे राजेंद्र, पूर्व जन्म में आप द्रविड़ देश में ताम्रपर्णी नदी के किनारे वास करने वाले सुदेव नामक ब्राह्मण थे, धार्मिक, सत्यवादी, जो मिल जाए उतने ही में संतोष करने वाले, वेदाध्ययन में संपन्न, विष्णु भक्ति में परायण रहा करते थे। आपने अग्निहोत्र आदि यज्ञों के द्वारा भगवान हरि को प्रसन्न किया। इस प्रकार रहते हुए तुम्हारी गुणवती स्त्री थी, वह गौतम ऋषि की सुंदर कन्या गौतमी नाम से प्रसिद्ध शंकर की सेवा में तत्पर पार्वती के समान तुम्हारी प्रेम से सेवा करती थी। गृहस्थ आश्रम धर्म में धर्म पूर्वक वास करते बहुत समय बीत गया, परंतु तुमको संतति नहीं हुई। एक दिन अपने स्त्री से सेवित आसन पर बैठा हुआ दुखित ब्राह्मण गदगद स्वर से बोला, संसार में पुत्र से बढ़कर दूसरा सुख नहीं है और तपदान से उत्पन्न पुण्य दूसरे लोक में सुख देने वाला होता है। शुद्ध वंश में होने वाली संतति इस लोक में तथा परलोक में कल्याण करने वाली होती है। उस श्रेष्ठ पुत्र के न मिलने से मेरा जीवन निष्फल है। न तो मैंने पुत्र का प्यार किया और न वेद पढ़ने के लिए सोने से जगाया, न तो उसका विवाह किया, इसलिए मेरा जन्म व्यर्थ में चला गया। अभी मेरी मृत्यु हो, मेरे को आयुष प्रिय नहीं है। इस प्रकार अपने प्रिय पति का वचन सुनकर स्त्री गौतमी खिन्न मन हुई। बाद धैर्य धारण करती हुई प्रिय वचन बोलने में चतुर, प्रिय पति के प्रेम में मग्न वह स्त्री अपने पति को समझाने के लिए सुंदर वचन बोली, हे प्राणेश्वर, अब इस तरह तुच्छ वचनों को न कहिए। आपके समान भगवत भक्त विद्वान लोग मोह को प्राप्त नहीं होते। हे विभो, आप सत्य धर्म में तत्पर रहने वाले हो, आपने स्वर्ग को जीत लिया है। हे सुव्रत अर्थात हे सुंदर व्रत करने वाले, आप जैसे ज्ञानी को पुत्रों से सुख की प्राप्ति कैसे, अर्थात ज्ञानी पुरुष पुत्रों से होने वाले सुख की इच्छा नहीं करते हैं। हे ब्राह्मण,
पहले चित्रकेतु नामक राजा पुत्र शोक से संतप्त हुआ, तब नारद और अंगिरा ऋषि के आने पर पुत्र शोक से मुक्त हो संसार से उद्धार को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार राजा अंगवेर नामक दुष्ट पुत्र के कारण रात्रि के समय वन को चला गया। इसी तरह हे स्वामिन, आपको भी संताति दुख देने वाली होगी, फिर भी हे तपोधन, यदि आपको सब पुत्र की लालसा है तो प्रसन्नता से जगत के नाथ समस्त अर्थों के दाता हरि भगवान की आराधना करें। हे ब्राह्मण, पहले सांख्याचार्य कर्दम ऋषि ने जिनकी आराधना कर पुत्र को प्राप्त किया, जो के पुत्र योगियों में श्रेष्ठ कपिल देव नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्राह्मण श्रेष्ठ इस प्रकार अपनी धर्म पत्नी के वचन सुनकर तथा निश्चय कर उस अपने गौतमी स्त्री के साथ ताम्रपर्णी नदी के तट पर गया। बाद वहां जाकर उस पवित्र तीर्थ में स्नान कर अत्यंत श्रेष्ठ तप करता भया। पांच पांच दिन के बाद सूखे पत्ते तथा जल का आहार करता था। इस प्रकार तप करते उस तपोनिधि सुदेव ब्राह्मण को 4000 वर्ष भी व्यतीत हो गए। हे ब्राह्मण, उसके इस तपस्या से तीनों लोक कांप उठे। भक्तवत्सल भगवान उस सुदेव ब्राह्मण के अत्यंत उग्र तपस्या को देखकर जल्दी से गरुड़ पर सवार होकर प्रकट भए। श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के समान जगत की रक्षा करने में समर्थ चार भुजा वाले प्रसन्न मुख मुरारी को देखकर सुदेव शर्मा ब्राह्मण हर्ष के साथ मुकुंद भगवान को साष्टांग प्रणाम करता हुआ इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 14 संपूर्ण। जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।